कर रहा था ना वीडियो रिकॉर्ड, तो पुलिस वाला मेरे से पास आ गया, कह रहा क्या कर रहा है, मैं कहा वीडियो बना रहा हूँ, कह रहा व्हाट इज दिस, मैंने कहा यूट्यूब, चला गया फिर। तो भाई ने बताया मुझे कि लोकल्स को वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ये मतलब चावल नहीं है, कनक नहीं, गेहूं नहीं है, ये इनका अलग से होता है, टेफ करके बोलते हैं उसको। तो भाई ये होती है इनकी ट्रेडिशनल कॉफी, ब्लैक कॉफी, और ये थोड़ी सी ऐसे महक के लिए, इंसेंस के लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंच गए इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में, और ये जो पूरा शहर आप देख रहे हैं अदिस अबाबा का, ये है, काफ़ी बड़ा शहर है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में पूरी चीज़ें, क्या क्या मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रहे यहाँ पे आने के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। यार गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे, we have like all these brands, Kia, Toyota and everything, right? Yes, we have all brands. Hyundai. Hyundai, yes. This is a church, right? Yeah, this is called Madhane Alam Church. And you were telling me like majority people here are Christians. Yes. Okay, so there are Muslims also. These are Muslims. These are Muslims. They like, are Muslims. Muslims wear like this like dress. ये okay. बड़े बड़े मॉल हैं। ये देख रहे हो दीवारों पे कैसे बड़े बड़े वो लगे हैं कांटेदार तार, तो वही सीन है कि इतना सेफ नहीं है इलाका कि हरने की लगा रखे हैं, देखो इधर भी लगा रखे हैं कांटेदार तार सी। यहाँ पे फुटबॉल काफी फेमस है, तो ये नया बन रहा है स्टेडियम एक फुटबॉल का, काफी बड़ा लग रहा है यार देखने से। तो यार ये रूम मिला है अपने को, मतलब काफ़ी सही रूम है, 1500 रुपये में मिल गया यार, तो 1500 रुपये में तो काफ़ी अच्छा है। टीवी वगैरह है, ठीक है, बेड है, और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ वॉशरूम में ये है। तो वैसे मैंने देखा था, एयरपोर्ट पे नहीं था, लेकिन काफ़ी जगह पे होता है बिडे। तो बात करते हैं भाई करेंसी की, तो करेंसी मैंने कराई थी एक्सचेंज, मेरे को मिल गया यार। तो यार यहाँ पे ना ये करेंसी होती है, बीर बोलते हैं इसको, और ये उनका बिगेस्ट जो करेंसी नोट है वो 200 का ही नोट है, 200 से बड़ा कोई नोट है ही नहीं। तो कल मैंने तकरीबन कराए 200 USD एक्सचेंज, मेरे को मिले 96 का रेट, मतलब आप चेक करोगे ना ऑफिशियली तो 54 समथिंग है, लेकिन आप दुकानों में पूछोगे कि भाई ब्लैक में हमें बिल नहीं चाहिए, ब्लैक में दे दे, तो दे ऑल्सो गिव 96 तक का रेट देते। तो ये मतलब रुपये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, अब कुछ भी मुझे खरीदनी है, जैसे $1 में $83 हैं, सॉरी $1 में $83 हैं, वैसे $1 में 96 बीर हैं, तो ऑलमोस्ट सेम। सिम कार्ड भी मैंने लिया था यार, एक रुको, मेरी जेब में ही पड़ा है वो, मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया वो। तो सिम कार्ड मुझे मिला है, ये मैंने कोई सफारी कॉम करके है, 30 बीर का, मतलब 30 रुपये का सिम, और भाई यहाँ पे आज भी ये चलते हैं रिचार्ज, तो ये कोड सा है, वो पिन भरना है, तो वो करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद में, अभी तो मैं वाईफाई पे ही था। तो यहाँ पे भाई होटल में ब्रेकफास्ट भी है 1500 रुपये में, तो चलते पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या खाना है, और फिर निकलेंगे बाहर। तो भाई ये इनका रेस्टोरेंट, मैं ब्रेकफास्ट करने आया था सुबह के बजे 7:30, अभी कोई भी नहीं है रेस्टोरेंट में, मैं अकेला ही हूँ। तो ये जो खाना मैंने लिया, ये मतलब बुफे टाइप ही है, तो समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत स्पाइसी है, ये लाइक डोसा सा है बट खट्टा है, ये खटास है इसमें, ये डोनट है मीठा सा, दो ब्रेड है, ये पता नहीं, ये सब्जियां भरी हुई हैं ऐसे लेयर के अंदर, जैसे लज़ानिया होता है वैसे वैसे ऐसा कुछ लग रहा है, बट ठीक है ये, और ये आलू। ओके गो, those are very old cars, but from Russia. They're from Russia? Yeah. Ah, Parruski. Russia. These are old cars. Yeah. What size of? Okay, तो आज हमें कैपिटल के साथ, तो कैपिटल आज हमें लेके आए हैं इथियोपिया के कुछ लोकल कुजीन, लोकल खाना खिलाने के लिए। तो अभी तो थोड़ा भीड़ लगी यहाँ पे, थोड़ी देर में जहाँ खाली होती है तो
तो अभी हमने ऑर्डर करा है इंजरा। तो इंजरा जो होती है ये ब्रेड, ये मतलब चावल नहीं है, कनक नहीं, गेहूं नहीं है, ये इनका अलग से होता है, तेफ करके बोलते हैं उसको। और ये आती है से साथ में इसे दाल दे दी है, ये शायद हमस टाइप ही है कुछ, तो खा के देखते हैं क्या है। काफ़ी अजीब टेस्ट है यार, काफ़ी अजीब सा टेस्ट है। तो ये तो जैसे अपना होता है ना डोसा होता है, उस तरह का कुछ है, रोल करा हुआ उसको। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है, थोड़ा स्पाइसी सा है ये, बट ये तो दाल ही है तो ये तो टेस्टी लग रहा है अभी तो। और एक मैं यहाँ पे पूरे रेस्टोरों में देखिए पैरों में ये घास फूस पड़ा रहता है, तो इसकी थोड़ी महक भी है वैसे तो, बट बताया मुझे भाई ने कि ये हर जगह ही होता है, मतलब ये नहीं कि यहाँ गंदा हुआ है, ये करते हैं हर रेस्टोरों में नीचे घास वगैरह। भाई इसमें ना चार ब्रेड थी, दो रोल थे और दो नीचे बिछा रखी थी उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा खाना था, नहीं ख़त्म कर पाए। इतना भी मुझे कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा, जो दाल थी वो अच्छी लगी बस। बाकी कभी फिर कहीं और ट्राई करेंगे, शायद कहीं और अच्छा लगे, यहाँ पे मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कुछ मुझे। तो अभी खाना खा लिया हमने यार, और अभी हम टैक्सी ऑर्डर कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं कोई व्यू पॉइंट है, तो ये पहाड़ों से गिरा हुआ है पूरा शहर, तो जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। तो अभी वी आर ऑर्डरिंग राइड, राइट या तो अभी राइड ऐप से हमने ऑर्डर करा है, ये वाली ऐप है, इस पे हमने अपनी टैक्सी ऑर्डर कर ली है, तो आएगी तो दिखाते हैं आपको कैसे, मतलब इट्स जस्ट लाइक उबर, राइट? इट्स वेरी सिमिलर टू उबर। एब्सोल्युटली। इनका कोई एक्सीडेंट हो गया शायद, तो समझा रहा है पुलिस को कि यहाँ पे हुआ है। भाई अभी the best street we are going, okay, the best highway in Addis Ababa, so it's leads from Bole Airport to the US Embassy, okay, yeah. तो ये बता रहे हैं कि सबसे अच्छा हाईवे जो है शहर में ये है, ये एयरपोर्ट से जाता है सीधे। ओके, and the left side the first university of Ethiopia, Addis Ababa University. Okay. लेफ्ट साइड। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी बता रहे थे सबसे अच्छा हाईवे ये जाता है एयरपोर्ट से सीधे यूएस एम्बेसी। तो भाई जब यहाँ जहाँ पे यूएस एम्बेसी है वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो अभी क्या सीन हुआ, अभी मैं कर रहा था ना वीडियो रिकॉर्ड, तो पुलिस वाला मेरे पास आ गया, कह रहा क्या कर रहा है, मैं कहा वीडियो बना रहा हूँ, कह रहा व्हाट इज़ दिस, मैंने कहा यूट्यूब, चला गया फिर। तो भाई ने बताया मुझे कि लोकल्स को वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या, काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है ना पूरे देश में, तो यहाँ पे YouTube भी बैन है और Instagram भी नहीं चलता, तो VPN लगाना पड़ता है फिर खुलता है Instagram भी और YouTube भी, तो काफ़ी वो है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस ही हैं इस देश में। बाकी अभी तो मस्त जा रहा है टाइम, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो ये चर्च है इधर एक, ओके, ये देखिए मेरी घड़ी पे भी आ गया कि ऑल्टीट्यूड काफ़ी ऊपर हो गया है। तो एक्चुअली सो यू आर टेलिंग मी दिस इज द थर्ड हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, राइट? या द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट इज ला पास बोलिविया, या द सेकंड आल्सो गाड़ी का भी जोर लग रहा है पूरा ही चढ़ने में। जो आपने अभी देखा ना कुछ औरतें जा रही थी लकड़ी उठा के, बताया भाई ने कि कुछ लोग यहाँ पे इतने गरीबी में रहते हैं उनके पास बिजली भी नहीं है, तो खाना बनाने के लिए वो लकड़ी का यूज़ करते हैं, वो गैस वैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो इसलिए लकड़ी लेके जाते हैं। देखा आपने कितने बड़े बड़े, वो काफ़ी वजन था यार वो, मतलब एक औरत के लिए उठाना काफ़ी मुश्किल, मेरे लिए भी उठाना मुश्किल था वो, लेकिन ले जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है, कंजर्व्ड एरिया नहीं, रिजर्व्ड एरिया नहीं है,
तो लीगल है पेड़ काटना, और वो काट के लेके जाते हैं नीचे। थोड़ा मेरे को फील होने शुरू हो गई है, हाइट अब 3200 मीटर पे है ये जो पहाड़ पे जा रहे हैं हम, तो 3200 मीटर हो गया यार, साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 10,000 ही हो गया फीट, तो जितना ये त्रिउन व्रिउन तो उससे उससे भी ऊपर है। ठीक है, ये देखिए अभी हम ऊपर आए थे टॉप पे, तो पीछे जो दिख रहे हैं मेरे एक चर्च है, ये चर्च है मतलब ये मॉस्क नहीं है, इसकी जो मैंने सुनी आवाज वैसे ना जैसे मस्जिद की आवाज आती है वैसे लग रही थी, बट है ये चर्च। और इसके पीछे एक पैलेस है और एक म्यूजियम है, तो इसकी एंट्रेंस फीस है कुछ 300-400 भीड़ करके, तो मैंने कहा छोड़ो क्या जाना अंदर, म्यूजियम व्यूजियम अपने को इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है थोड़ा सा चलना पड़ेगा नीचे, टैक्सी ने लिए 300 भीड़, काफ़ी दूर आया ठीक है, मतलब टैक्सी सस्ती है, और चलते हैं व्यू पॉइंट पे और देखते हैं कैसा व्यू है पूरे शहर का। तो ये दिख रहा है आपको क्या शहर वहाँ पे, वो देखिए वो दूर, तो वो पूरा आदि सभा भाई है। तो यार ये है वो पार्क, और इसमें एंट्रेंस फीस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, अपना पासपोर्ट दिखाइए और अंदर आ जाइए। इसके द माउंटेन इज कॉल्ड तोतो माउंटेन इन तोतो माउंटेन। तो व्हाट इज दिस टिकट फॉर? This one is to see in binoculars. Oh, nice. Yeah, 50 per. If you want, you can do. No. I'm saying like this is nice. Yeah. The things they have made. Really nice. Okay, yeah. तो यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। तो यार ये देखें, ये है पूरा आदिस अबाबा। मतलब काफी बिल्डिंग्स हैं यार, मतलब जैसे अपना था ना वो बोगोता था, वैसे वैसे लग रहा है ये, काफी वेरी नाइस। तो भाई यहाँ पे मैं खड़ा था, यहाँ पे एक लड़कियाँ खड़ी थी, दो तीन वो आ गई, इसने फोटोग्राफर्स को भी बोला कि फ़ोटो खींचो इसके साथ, तो पहले उसने मेरे फ़ोन से अपने फ़ोन से ले ली फ़ोटो, फिर फोटोग्राफर को बोला फ़ोटो ले लो। यार इथियोपिया की कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है, बट मैं इतना शौकीन हूँ नहीं कॉफ़ी का, तो मैं तो इनकी ट्रेडिशनल कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, बिकॉज ये ब्लैक कॉफ़ी रहती है, सिर्फ कॉफ़ी और पानी उसमें डाला हुआ है और वो गर्म हो रहा है, वो दे देते हैं इसमें डाल के प्याले से। मैंने मंगवाई है दूध वाली, क्योंकि मेरे को ब्लैक कॉफ़ी नहीं जमती, तो देखते हैं कैसी क्या सीन है इसका, क्या टेस्ट वगैरह, बड़ी सुना है इथियोपिया के बारे में। तो ये मंगाइए भाई, मैंने ये आई है सिर्फ 50 रुपये की, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मतलब यहाँ पे भी 50 की मिल रही है, सस्ता ही है यार अपना कुछ, बाकी टेस्ट भी सही है। तो भाई ये होती है इनकी ट्रेडिशनल कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और ये थोड़ी सी ऐसे महक के लिए, इंसेंस के लिए, साथ में मिलते हैं पॉपकॉर्न। तो मैंने तो भाई वो नहीं ली, मैंने तो अपनी दूध वाली कॉफ़ी ख़त्म कर दी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये डार्क कॉफ़ी नहीं हो पाती मेरे से, ब्लैक कॉफ़ी, बट यार यहाँ की मशहूर है, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ, सेटअप तो काफ़ी सही है। तो अभी ये पार्क देख लिया हमने, इसके बाद अब जा रहे हैं हम नेशनल म्यूजियम। तो एक्चुअली जो इथियोपिया है वो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड है, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन रेस है वो यहीं से शुरू हुई है। तो जाएंगे हम नेशनल म्यूजियम, वहाँ पे देखेंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी देखने वाली। तो यहाँ से फिर हमने वही कैब बुला ली आपसे, आती होगी, और चलते हैं फिर म्यूजियम। तो ये पूरी मार्केट ही कपड़ों की है, जो इनका होता है ना ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं इथियोपिया के, बंदियों के होते हैं ये, तो ये पूरी मार्केट ही उसी कपड़ों की है। तो यार अभी हम आ गए नेशनल म्यूजियम में, और यहाँ पे जो मेरी टिकट लगी 50 बीस, मतलब 50 रुपये ऑलमोस्ट, और भाई की लगी है 10 रुपये, क्योंकि वो लोकल है। तो ये है नेशनल म्यूजियम, जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिखने को मिलता है अपने को। द फर्स्ट कार इन इथियोपिया इन 1907। ओके, तो ये यूके से आई थी द फर्स्ट कार। ओके, ये 250 किलो की खोपड़ी है हाथी की। तो ये बता रहे हैं कि भाई पैर जो साइज़ होते थे पुराने जानवरों के,
वो ऐसे होते थे, तो मैं वाइड करता हूँ इसको। अरे भाई, तो ये देखिए क्रोकोडाइल कितने करते हैं, बड़े होते थे। तो ये हम देखेंगे अरवा मिंच में भी, अभी जाएंगे कल परसों अरवा मिंच, वहाँ पे सबसे बड़े क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो साइज़ देखिए घोड़े के मुकाबले क्रोकोडाइल का। तो यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सब पुराने फॉसिल्स वगैरह मिलेंगे। तो यार लूसी जो है ना, मतलब लूसी एक नाम दिया गया एक सेटलिन को, कि जो सबसे पहले सीधे खड़े होने वाली स्पीशी थी, मतलब होमो सेपियंस। सो दिस शी वाज नॉट होमो सेपियंस राइट, शी वाज लूसी वाज होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस या एस्ट्रोलोपिकस। ओके, तो होमो सेपियंस नहीं थी, लेकिन ये पहली सीधी खड़े होने वाली स्पीशी थी। तो ये एक और है वहाँ पे स्केल्टन, सबसे पुराना वो है, एंड दिस इज 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड और वो 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन देखिए इनका साइज़ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये 100 सेंटीमीटर ही लंबी थी, देख सकते हैं आप साइज से। तो इसीलिए बोलते हैं कि सबसे जो पुराने मतलब होमो सेपियंस यहीं से शुरू हुए थे। तो यहाँ बता रखा है कि यहाँ से शुरू हुए और फिर वो एक्सपैंड होते रहे, मतलब दे वेंट टू यूरेशिया, इंडिया गए और फार ईस्ट भी चले गए। तो ये लिखा है कितने कितने साल पहले, जैसे यहाँ पे सबसे पुराने पाए गए स्केलेटन वो 1.6 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, इंडिया के 1.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, और जो यहाँ पे हैं वो देखिए 2.3 मिलियन अफ्रीका में। तो शुरू यहीं से हुए और फिर यहीं से मूव आउट होने शुरू हो गए। तो यार दिन खत्म हो गया हमारा, कल सुबह सुबह बस है, बहुत सुबह, मतलब 4 बजे चलेंगे सुबह यहाँ से, 8 घंटे का सफर है, नेक्स्ट शहर जाएंगे। तो वो टिकट ले लिया मैंने, मेरे को तकरीबन 1000 रुपये की पड़ी है वो टिकट बस की। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि बसेस कैसे होती हैं, लेकिन जो मेरा इम्प्रेशन रहा पूरा इस शहर को, मतलब तकरीबन 2 दिन रहा मैं, तो मतलब ठीक है शहर, ज़्यादा भी कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी गरीबी दिखती है, लेकिन कुछ इलाके हैं जो अच्छे हैं, टैक्सी वगैरह आपको आराम से मिल जाती है जो ऐप्स हैं, प्लस होटल्स भी अच्छे हैं, जैसे ये होटल मिल गया मेरे को, सस्ता ही मिल गया, तो सस्ता तो है ही, इतना महंगा नहीं है। जो यार सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, ये करेंसी वाली चीज़, जैसे मुझे कल रेट मिला जो मैंने पूछा एक दो जगह से, कोई बंदा 93-94 बोल रहा था, तो मुझे एक ने 96 दे दिया। जो बंदा मेरे को आज मिला कैपिटल, वो बोल रहा है कि नहीं यार रेट तो 105 है, तो मतलब कि $1 इज इक्वल टू 105 बीर। थोड़ा नुकसान हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैंने 200 कल करा लिया एक्सचेंज, तो तकरीबन 1500 का नुकसान हो गया, 1500 इंडियन रुपये का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ देख ली जब आप आएँ, तो बहुत सारे लोगों से पूछें यहाँ पे काउच सर्फिंग में क्या है। काउच सर्फिंग आप डालेंगे ना कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रैवल गाइड बैठे हैं काउच सर्फिंग में। जो बंदा मैं मिला था आज कैपिटल, वो भी काउच सर्फिंग से मिला था, वो भी ट्रैवल गाइड ही है, तो उसका मैं नंबर डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको कॉल करना हो जब आप आओगे तो, ही गिव्स सिटी के टूर्स, नहीं तो भाई करेंसी वरेंसी तो उससे आप पूछ सकते हो। बस यही था, बाकी तो ठीक ही है, मतलब रिस्की तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक बार कोई बच्ची थी, वो भीख मांग रही थी, मेरी शर्ट पकड़ ली उसने, छोड़ नहीं रही, कह रही पैसे देके जा। तो क्योंकि मैं कल था, मैं बंदे के साथ एक और लोकल के साथ था, आज मैं एक और लोकल के साथ था, तो अकेला तो मैं घूमा नहीं, तो मुझे वो फील नहीं हुआ कि कुछ डेंजरस है या रिस्की है क्या नहीं है। बाकी कैब वैब मिल जाती है आराम से, तो कोई सीन नहीं हुआ। अभी फटाफट सो जाते हैं, और क्योंकि सुबह उठना है, मेरी बस है 4 बजे, यहाँ से बस स्टॉप भी जाना है टैक्सी लेके, तो मैं 3 बजे उठ जाऊँगा और फिर टैक्सी वैक्सी लेके बस स्टॉप जाएंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि बसेस कैसी होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बसेस जो इथियोपिया में, और अरबा मिंच जाना है मुझे, अरबा मिंच से आगे जिंका जाना है, और जिंका जाके फिर हम वो ट्राइब वाले सब वो करेंगे, विल गो टू ओमो वैली और वहाँ जितने भी ट्राइब्स हैं वो देखेंगे। वो एक टूर मैंने खरीद लिया है, वो बड़ा महंगा है, या फिर टूर वगैरह बहुत महंगे हैं यार, तो मतलब हाँ, बट ठीक है, ट्राइब्स देखने को मिल रही हैं, तो चलिए वो सब अगली वीडियो में आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय फॉर नाउ।